हेलो दोस्तों, हम लोग अभी जाएंगे जीवदानी माता जो कि विरार में है, उनका मंदिर। हम लोग स्टेशन पे हैं और आप देख सकते हैं जो कि ट्रेन भी हमारी आ चुकी है, तो हम लोग ट्रेन में बैठेंगे। और आप लोग देखिए, हम लोग देखिए, मेरा ट्रेन आ गया ऑलरेडी और मैं इस ट्रेन में बैठूंगा। और आप लोग देखिए, हम लोग आ गए विरार स्टेशन। यहाँ से हम लोग अब मंदिर पे जाएंगे। ये जीवदानी माता का मंदिर है जो यहाँ से शुरू होता है। आप देख सकते हैं सभी लोग जाते हैं, यहाँ से शुरू होगा। अब ऊपर की ओर हम लोग चलेंगे तो पहले इधर का देख लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे और आप लोग भी बने रहिए। आप लोग को भी मैं दिखाता हूँ ऊपर की ओर। सभी लोग जाएंगे ऊपर। दोस्तों 1400 स्टेप है जब माता रानी के दरबार पे जाएंगे आप, तो आप देख सकते हैं 220 नंबर। आप लोग बने रहिए, मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा। थोड़ी लंबी हो सकती है बट आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सभी लोग एक साइड से जाएंगे और एक साइड से आएंगे, देख रहे हैं सभी लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर। मैं एक एक चीज़ दोस्तों आपको दिखाऊंगा और आप लोग भी आइए जीवदानी माता और घूमिए, माता जी का दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पर जो है ना, हम तो आए हैं और आपको कुछ ऊपर का दृश्य दिखाएंगे, देख सकते हैं जो कि क्या दृश्य है। सभी लोग जाने वाले हैं, सब ऊपर जाएंगे, मैं भी जा रहा हूं ऊपर और आपको दिखा रहा हूं, जो कि आप लोग भी आइए यहां माता रानी के पास। देख रहे हैं सभी लोग ऊपर जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं जो क्या है, कैसा है, नहीं है। और ऊपर की ओर जाएंगे दोस्तों तो और बेस्ट होगा। ऊपर की ओर जाएंगे, देख रहे हैं सभी लोग अपना कपूर जलाते हैं, चंदन करते हैं, जिनका जो इच्छा होता है अपना करते हैं। सभी लोग अपना अपना हिसाब से, जिनका जो अच्छा लगे वो करते हैं। चंदन कीजिए, धूप जलाइए, मतलब सभी लोग कुछ ना कुछ जलाते हुए ही जाएंगे। आप देख सकते हैं जो हम लोग भी ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो आप देखिए, देखिए कितना अच्छा लोकेशन है, देख रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से अब मेन मंदिर का शुरुआत होता है दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे मंदिर की ओर, तो आप लोग बने रहिए, पूरी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है बट आप लोग देखेंगे तो समझ में, पूरी सीन देखेंगे तो समझ में आएगा आपका। एक्चुअली पूरा सीन देखेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे। इधर देख रहे हैं दोस्तों, सावन का टाइम आएंगे ना तो जितना दिखने को मिल रहा है आपको, ये सब में आपको जलेबिया मोर घूमना पड़ेगा। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है जो एकदम बना हुआ है, एकदम सिस्टम से इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, फिर घूम फिर के जाइए। जितना स्टील का आपको दिख रहा है ना, सभी में लोग मिलेंगे आपको। सावन का टाइम आएंगे तो आपको हर जगह मिलेगा, पूरा भरा हुआ रहता है दोस्तों, देख रहे हैं पूरा। हम लोग ऑलरेडी यहीं से मंदिर से अब थोड़ा ही दूर है, मंदिर की ओर जाएंगे। ऑलरेडी मंदिर के पास कैमरा अलाउ नहीं है, तो हम लोग इधर से निकल के चलेंगे, आपको हर चीज़ दिखाएंगे। यहाँ देख सकते हैं लिखा है बोर्ड पे एकदम क्लियर सब कुछ, आप देख सकते हैं। जो कि अब यहाँ से मंदिर का शुरुआत हो गया, मतलब बाजू मंदिर ऑलरेडी, मान लीजिए हम लोग मंदिर पहुँच गए। आप देख सकते हैं जो कि कितना अच्छा लगता है देखने के लिए, देख रहे हैं। और बाहर का भी दृश्य दिखाऊंगा मैं आपको, आप लोग बने रहिए, बाहर का भी दिखाऊंगा जो कैसा है, क्या है, नहीं है। देख रहे हैं जितना यह स्टील का आपको दिख रहा है ना, यहाँ सभी जगह पे ऑलरेडी आदमी रहेगा। सावन का टाइम बहुत भीड़ होता है और सोमवार का दिन तो और ज़्यादा भीड़ होता है, देख रहे हैं पूरी तरीक़ा से एकदम बंद रहता है आदमी लोग। हम अब मंदिर के पास आ गए, अब माता रानी का दिखाएंगे आप लोग को। चलिए आप लोग बने रहिए,
देख रहे हैं, पूरा लोग भरे रहते हैं इसमें पूरा। जब आइएगा ना आप लोग, आइएगा भी और देखिए। हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं, अब यहाँ से पूजा वूजा होगा। पूजा होने के बाद फिर यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर चलेंगे। जो नीचे से आते आते तो लोग थक जाते हैं दोस्तों, और ऊपर चलेंगे मंदिर की ओर। जाने के बाद ऊपर जाएंगे जहाँ पे बैठने का सुविधा है, लोग आराम कर सकते हैं। यही माता रानी का मंदिर है जो आप देख सकते हैं, देखिए। बस यही मेन मंदिर माता रानी का है। यहाँ से ऊपर चलेंगे, ऊपर का भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। आप लोग बने रहिए, पूरा चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। हैं वहाँ पे चलेंगे तो अच्छा लगेगा बहुत। इधर से जाएंगे अब ऊपर जहाँ पे मंदिर भी है और लोग वहाँ पे आराम भी करते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं जा रहे हैं उधर। वहाँ पे थोड़ा आराम भी करेंगे, लोग सब बैठेंगे, चाय नाश्ता करेंगे, क्योंकि दोस्तों नीचे से ज़्यादा थक जाते हैं। देखिए ऊपर का सीन, यहाँ जब आएंगे ना तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, खाने पीने का मिलेगा। मंदिर है दो तीन, वहाँ पूजा कीजिए और यहाँ पे खाइए पीजिए, आराम कीजिए, उसके बाद अपना जाइए। तो सारा व्यवस्था है, मौसम भी बहुत अच्छा है, देख रहे हैं। हम लोग आगे की ओर चलेंगे, आप लोग पहले ये देख लीजिए, उसके बाद हम आगे दिखाएंगे आपको जो आगे का नज़ारा कैसा है और क्या है। हम लोग फाइनली इधर आ चुके हैं, यहाँ से घूम फिर के अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो आपको मैं दिखाऊंगा जो कि बाहर का भी कैसा है। इधर से आइए और इधर से जाइए, फिर बीच रास्ते में जाएंगे तो दोनों रास्ता एक जगह मिल जाएगा। बीच में जाने के बाद, यहाँ से होने के बाद बाजू से रास्ता है, हम लोग अभी निकलेंगे रास्ता की ओर। तो देख सकते हैं जो कि कितना श्रद्धालु लोग हैं। देखिए ये बाहर का रास्ता है, इधर से आप लोग बाहर निकलिए, फिर बीच में जाएंगे तो बीच रास्ते में दोनों रास्ता मिल जाते हैं एक ही जगह पे। चलिए हम लोग बाहर की ओर चलेंगे और हम सब लोग देखेंगे। आप लोग भी आइए मंदिर, कभी आइए घूमिए, माता रानी से मुलाकात कीजिए, दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। आइएगा तो बहुत अच्छा लगता है। हम आपको बता दें, देख सकते हैं बीच में रास्ता मुलाकात हो गया ना, अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं। तो नीचे का भी दृश्य आपको दिखाएंगे दोस्तों, बहुत अच्छा है। गाड़ी से आइएगा तो गाड़ी लगाने का सुविधा है, मतलब जो चाहिए वहाँ पे हर सुविधा मिलेगा आपको माता रानी के दरबार में। आप देख रहे हैं हर चीज़ की सुविधा मिलती है वहाँ पे, पार्किंग वगैरह हर चीज़ बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग आइए घूमिए, देख सकते हैं हम लोग ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। यहीं से इन हुआ, यहीं से अंत हुआ, मतलब शुरू यहीं से हुआ और यहीं ख़त्म भी हुआ, क्योंकि मेन गेट माता रानी का यही है। इधर से ही जाएंगे और इधर से ही आएंगे, एक साइड जाने का है और एक साइड आने का है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे पार्किंग किधर है, तो हम आपको पार्किंग बता देते हैं। थोड़ा इधर देख लीजिए, और देखिए जो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर माता रानी का वही मंदिर है, उधर उधर मंदिर है, और इधर आप जितना देखिएगा तो पार्किंग है। मोटरसाइकिल चाहिए, जो भी गाड़ी चाहिए आपको गाड़ी लगाने का पार्किंग मिल जाएगा उधर। और जो सामान लेने का है हम बाद में दिखाएंगे आपको, मार्केट किधर है। तो ऊपर जो दिख रहा है सबसे ऊपर, वही माता रानी का मंदिर है, और रेलगाड़ी भी है छोटा वाला, आप उससे भी जा सकते हैं माता रानी के पास। सारा सुविधा है जाने का आने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर देखिए बहुत बड़ा पार्किंग है, देख रहे हैं बहुत बड़ा पार्किंग है। आइए बिंदास गाड़ी लगाइए, घूमिए, हर चीज़ का सुविधा मिलेगा दोस्तों। तो आपको मैं अब चलेंगे मार्केट की ओर, जहाँ पे खाने पीने का सुविधा है हर चीज़, हाँ उधर चलेंगे और आपको मैं वो दिखाऊंगा। देख सकते हैं इधर से निकलेंगे हम लोग और बाहर की ओर जाएंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो देखें, इधर से जितना दूर देखिए, इधर है आपका मार्केट,
जो चीज़ लेना है लीजिए और घर जाइए। देख रहे हैं बहुत बड़ा मार्केट है, आप लोग आइए दुर्गानी माता मंदिर घूमने के लिए तो बराबर समझ में आएगा और बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों यहाँ आइएगा तो बहुत अच्छा लगता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आई होप अच्छा ही लगा होगा, तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, जो सभी लोग देखेंगे मंदिर आएंगे माता रानी से भेंट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए, दर्शन करने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप लोग घूमिए फिरिए आइए, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक फिर बाय बाय।